पाकिस्तान के अंदर ई स्पोर्ट्स की ग्रोथ और अवेयरनेस अगर मैं उसे एक वर्ड में डिफाइन करूं तो आई वुड कॉल इट डिसेंट एट बेस्ट। मेरा आईजीएन की टीम का रैप्टर गेम्स का हमारे हमेशा से प्राइमरी गोल्स में से एक चीज रही है पाकिस्तान की ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी को केटर करना, उनको स्पॉटलाइट देना और उनके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी प्लान करना। लाइक यू गाइस नो वी हैव टैप्ड एंड टच्ड टेकन मेनी टाइम्स इन द पास्ट बट व्हाट वी रिसेंटली डिड इज समथिंग प्रीटी इनक्रेडिबल। वी कोलैबोरेटेड विद बीकन हाउस कॉलेज प्रोग्राम टू होस्ट ए ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट एक्सक्लूसिव ऑल बीसीबी स्टूडेंट्स जिसका नाम था फीफा फ्यूरी शोडाउन 2023। ये अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था एंड इट स्पैंड अक्रॉस 3 मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। ये कराची से स्टार्ट हुआ, देन वेंट ऑन टू इस्लामाबाद एंड देन फॉर द ग्रैंड फाइनल्स इट हेडेड टू लाहौर। बीकन हाउस कॉलेज प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के दरमियान एक्सक्लूसिवली ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ 14th और 15th अक्टूबर को इन कराची, जहां बहुत ही मजेदार किस्म के मैचेस हुए और हमें हमारा कराची फाइनलिस्ट भी मिला। देन द टीम ऑफ रैप्टर गेम्स टैग आईजीएन वेंट ऑन टू इस्लामाबाद और वहां पर 21st और 22nd अक्टूबर को मजेदार गेम्स हुई जहां पर हमें हमारा इस्लामाबाद का फाइनलिस्ट मिला। एंड फॉर द ग्रैंड फाइनल्स फॉर द बिग वन वी हैड टू हेड ओवर टू माय सिटी लाहौर एट द 27th एंड 28th ऑफ अक्टूबर, जहां पर टॉप 8 के क्वालिफायर हुए और फिर ग्रैंड फाइनल हुआ। और क्या ही मजेदार किस्म की गेम्स हमें देखने को मिली, क्या ही मजेदार किस्म के रिएक्शंस हमें देखने को मिले, इट वाज क्वाइट द फन। और 28 अक्टूबर को जब ग्रैंड फाइनल्स खत्म हुआ तो रयान अजीन, हु इज आवर फीफा फ्यूरी शोडाउन चैंपियन ऑफ 2023, वॉकड अवे नॉट जस्ट विद अ कूल ट्रॉफी एंड अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन एंड अ लॉट ऑफ सपोर्ट, बट ही आल्सो वॉकड अवे विद टू विनिंग प्राइस चेक्स वर्थ 200K। एंड हाउ अमेजिंग इज दैट, आई थिंक द गाय वाज 15 इयर्स ओल्ड और उसने फीफा के स्किल सेट से अप टू 200K अर्न किया बेहतरीन किस्म की गेम खेल के। दैट इज प्रीटी इंस्पायरिंग फॉर एवरी अदर किड अराउंड हिम। जो चीज ट्रूली स्टैंड आउट करती है सारी एक्टिविटी में वो है द फैक्ट कि ये बीसीपी के साथ किया गया है एंड टू थिंक कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने इतने अच्छे तरीके से इतने इंटरेस्ट के साथ एक गेमिंग सेंट्रिक ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को बैक किया है इन कोलैबोरेशन विद रैप्टर एंड आईजीएन स्पीक्स वॉल्यूम्स के हमारी ई स्पोर्ट्स की अवेयरनेस में कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है कि जिधर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी चाह रहे हैं कि ई स्पोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे। जो चीज ट्रूली स्टैंड आउट करती है सारी एक्टिविटी में वो है द फैक्ट कि ये बीसीपी के साथ किया गया है एंड टू थिंक कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इतने इंटरेस्ट के साथ ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवा गए अपने स्टूडेंट्स के लिए इज ट्रूली समथिंग टू बी वेरी हैप्पी अबाउट एज गेमर्स एंड एडमायरर्स ऑफ द सर्किट, बिकॉज इससे सिर्फ स्टूडेंट्स को एक मजेदार टूर्नामेंट ही नहीं मिला बल्कि एज अ होल फॉर आवर कम्युनिटी इट्स अ ग्रेट थिंग दैट इन आवर एजुकेशन सेक्टर ई स्पोर्ट्स पॉजिटिवली प्रसीव्ड है और मैनेजमेंट का एटीट्यूड इनकरेजिंग है। जब मेरी बीसीपी के मार्केटिंग हेड फरीद साहब से बात हुई इंटरव्यू में और मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या थॉट्स हैं अबाउट ई स्पोर्ट्स एंड अबाउट किड्स एंगेजिंग इन कॉम्पिटिटिव गेमिंग, दिस इज व्हाट ही हैड टू से। मैसेज कि जो लोग ई गेमिंग को गलत समझते हैं, सो दिस इज द न्यू जनरेशन, इनके पास फैसिलिटीज कम है, इनके पास टाइम कम है, देर मोर ऑन सोशल मीडिया, देर मोर ऑन डिजिटल डिवाइसेस, तो उसको एंगेज करते हुए ब्रिंगिंग देम इनटू स्पोर्ट्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो रादर देन वो घर पे बैठ के सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करें, आई थिंक ई गेमिंग इस तरह के स्ट्रेटेजिक गेम्स खेलें जिसमें उनके लर्निंग भी अच्छी होती है और उनका एक अच्छा एक्सपोजर भी होता है। अब हम बात करते हैं टूर्नामेंट के मजीद और बेहतरीन इफेक्ट की ऑन हाउ अमेजिंग इट वाज फॉर द स्टूडेंट्स हु कम्पीटेड। उनको एक प्लेटफॉर्म मिला अपने स्किल सेट को टेस्ट करने के लिए जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ, उनको मजीद और इम्प्रूवमेंट के लिए रूम मिला एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट के साथ अप्रिसिएशन भी मिली कि पढ़ाई में अच्छा होना तो जरूरी है ही बट गेमिंग में भी अगर आप अच्छे हो तो दैट कैन ऑल्सो गेट यू टू प्लेसेस। व्हाट ट्रूली स्टूड आउट द मोस्ट टू मी वाज द फैक्ट के कितनी तरह की मजे मजे की स्टोरीज देखने को मिली, किड्स कमिंग अलॉन्ग विद देयर families with their parents and to see such supportive parents literally shook us all, because Pakistan mein aapko pata hai ki esports aur gaming centric professions aaj bhi serious professions consider nahi kiye jate. What I'm going to do right now is I'm going to share one of the finalists parents ke unka kya kehna tha is sare samay pe, unke mom dad aur unke behan bhai unke saath the, jab maine unse pucha ki aapki kya thoughts hai apne bachche ko tournament pe khelte dekh ke and just the support and all that jazz, this is what they had to say. Yahi kahunga ki agar isi tarah ke events hote rahenge पाकिस्तान वाले, जैसे मैंने स्टार्ट आपको बता दिया था कि बहुत ज़्यादा टैलेंट हमारे बच्चों में सब में होता है लेकिन इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और इसके लिए ये जो बीकन हाउस कॉलेज प्रोग्राम ने और रैप्टर वालों ने आप लोगों की तावन से जितना भी कुछ किया है, मेरे ख्याल में जितनी आप लोगों की तारीफ़ की जाए इनकी तारीफ़ की जाए कम है और इसी तरह की इवेंट्स बहुत रेगुलर होने चाहिए।
ताकि बच्चे जो है वो कॉन्फिडेंस गेन कर सके और वो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आवर कम्युनिटी नीड्स राइट नाउ। आई एम ग्लैड इस टूर्नामेंट के जरिए हमें ये चीज देखने को मिली एंड ऑफ कोर्स वाया आर मीडिया कवरेज एंड योर सपोर्ट ये बहुत सी फैमिलीज तक जाएगी वीडियो, जिसकी वजह से हमें इंशाल्लाह मजीद और ख्वाजा हारिस जैसे बच्चे खेलते दिखाई देंगे टूर्नामेंट्स में और पेरेंट्स को भी अवेयरनेस मिलेगी। वी पर्सनली बिलीव दैट फीफा फ्यूरी शोडाउन जैसा टूर्नामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान की ई स्पोर्ट्स सर्किट के लिए और ये स्पेसिफिक टूर्नामेंट काफी क्रिटिकल रोल प्ले करेगा ऑन व्हाट्स टू कम, एज यहाँ सीड्स तो डेफिनेटली प्लांट हो गए हैं एंड विद टाइम हमें मजीद और इंस्टीट्यूट्स में ऐसे इवेंट्स देखने को मिलेंगे। ढेरों स्टूडेंट्स अपने टैलेंट को शोकेस करेंगे, देयर विल बी दिस ग्रेट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस जो अल्टीमेटली बेनिफिट करेगा पाकिस्तान के गेमर्स को। अगर स्पेसिफिकली बात करें बीसीपी की बीकन हाउस कॉलेज प्रोग्राम की के वो इस चीज को मजीद और कैसे कैपिटलाइज करेंगे एंड व्हाट्स टू कम, वी हैड अ वर्ड विद देयर डेप्यूटी चीफ, वी हैड अ वर्ड विद देयर डेप्यूटी मैनेजर एंड दिस इज व्हाट ही हैड टू से रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ ई-स्पोर्ट्स एंड गेमिंग सेंट्रिक एक्टिविटीज इन बीसीपी। सो यस माय फ्रेंड्स, ये था हमारा रीकैप ऑन फीफा फ्यूरी शोडाउन 2023 दैट स्पैंड अक्रॉस 3 सिटीज और एक बहुत ही फन, बहुत ही मजेदार और बहुत ही एंजॉयबल और फेस्टिव किस्म का ये टूर्नामेंट था। एंड अगेन टू थिंक इसका इफेक्ट कैसा होने वाला है, दैट इज समथिंग दैट वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू। आपकी क्या थॉट्स हैं सारे सिनेरियो पर, इस वीडियो पर? डू यू थिंक वी शुड हैव मोर टूर्नामेंट्स इन इंस्टीट्यूट्स लाइक बीसीपी? लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एंड या फॉर मोर थिंग्स पॉप कल्चर एंड ऑल थिंग्स गेमिंग, कीप इट राइट हियर एट आईजीएन पाकिस्तान। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।